हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे टॉप 3 बेस्ट एक्टिव स्ट्रेचिंग फॉर चेस्ट मसल ग्रुप। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेस्ट की एक्टिव स्ट्रेचिंग डिमॉन्स्ट्रेट करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की, ताकि उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज कर सके जब हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करें स्ट्रेचिंग को, ताकि आपको एग्जैक्टली मालूम चल सके कि आखिर हम यह स्ट्रेच क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इसके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारा चेस्ट मसल ग्रुप होता है, इसके अंदर दो मसल होती है, जिसमें से पहली है पेक्टोरालिस मेजर, जो कि काफी बड़ी मसल है, लार्ज मसल है, और एक सुपराफिशियल मसल है, कहने का मतलब या ऊपर साइड प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इसकी इमेज को देख पा रहे होंगे। वहीं जो दूसरी मसल होती है हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की, वह है पेक्टोरालिस माइनर, जैसे कि आप देख सकते हैं यह काफी छोटी मसल होती है और यह एक डीप मसल है, कहने का मतलब यह हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है, यह अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए डीप मसल है। तो यही दोनों मसल प्रेजेंट होती है हमारे चेस्ट मसल ग्रुप में। तो यहां पर क्या सही अप्रोच रहेगा हमारी इस चेस्ट मसल ग्रुप के अंदर जो मसल प्रेजेंट है उनको स्ट्रेच करने का, इसको समझने के लिए हमको हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की जो मसल्स हैं इनके ओरिजिन और इंसर्शन को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने इस कोर्स में हमारे चेस्ट मसल के ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन के बारे में। तो यहां पर जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारा चेस्ट मसल ग्रुप का पेक्टोरालिस मेजर मसल होते हैं, इसके दो हेड होते हैं, जिसमें से पहला है क्लेविकुलर हेड, जैसे कि आप इमेज देख पा रहे होंगे, यह क्लेविकुलर हेड है, और दूसरा हेड होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हमारे इस पेक्टोरालिस मेजर मसल के क्लेविकुलर हेड के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्लेविकुलर हेड होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल का, यह ओरिजिनेट होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिडल हाफ ऑफ द क्लेविकल, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है इसके ओरिजिन पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ इस क्लेविकुलर हेड से ओरिजिनेट होकर हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर होते हैं वो तिरछे चलते हैं और जाकर इंसर्ट होते हैं हमारे आर्म्स की जो बोन होती है ह्यूमरस, वहाँ पर, और ख़ास तौर से जो एग्जैक्ट इंसर्शन पॉइंट होता है वह होता है लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस। तो यहाँ पर जो हमने एक चीज़ नोटिस की वह यह कि यहाँ पर जो मसल फाइबर है वह नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अपने चेस्ट मसल ग्रुप की पेक्टोरालिस मेजर मसल को ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर साइड आप नीले कलर से देख पा रहे हैं, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर है जो क्लेविकुलर हेड से ओरिजिनेट होते हैं। ये क्लेविकल है, क्लेविकल बोन क्या होती है आप जानते हैं, जो यहाँ पर हड्डी प्रेजेंट होती है वो होती है क्लेविकल, और यहाँ से ओरिजिनेट होकर, इस क्लेविकुलर हेड से मसल फाइबर ओरिजिनेट होकर जाकर हमारे आर्म्स में जो हड्डी प्रेजेंट होती है ह्यूमरस बोन, उसके बाइसेप्टल ग्रुप पर इंसर्ट होते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर हमारे इस पेक्टोरालिस मेजर मसल में आप इस एरिया को देख पा रहे होंगे, जो मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है, यह होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। यहाँ से पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं और यह भी जाकर इंसर्ट होते हैं इस बाइसेपिटल ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पहले हम इसकी बात करेंगे, क्लेविकुलर हेड से जो मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनका ओरिजिन पॉइंट होता है यहाँ से और ये जाकर इंसर्ट होते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इनके डायरेक्शन को ड्रॉ करें, मतलब इनके ओरिएंटेशन को ड्रॉ करें कि किस तरह से मसल फाइबर चलते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इनके जो मसल फाइबर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से मसल फाइबर जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि 90 डिग्री कब होगा, जब आप हाथ इस तरह से करेंगे, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है, और थोड़े से नीचे अगर करेंगे आप तो यहाँ पर हाथ होगा 70 डिग्री। तो नियर अबाउट जो मसल फाइबर की ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन है, वो इस तरह से है, थोड़ा सा 70 डिग्री के आसपास है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हमको हमारे मसल फाइबर जो क्लेविकुलर हेड से ओरिजिनेट हो रहे हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल के, उनकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है, तो हमको इसी डायरेक्शन में इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा, मतलब नियर अबाउट 70 डिग्री में इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है, इस तरह से ये मसल फाइबर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमको इसी डायरेक्शन में इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यह पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर है जो यहाँ क्लेविकुलर हेड से ओरिजिनेट हो रहे हैं और यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो रहे हैं, तो अगर मुझे इस मसल फाइबर की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है तो मुझे यहाँ पर इसको खींचना पड़ेगा। तो अगर हम हाथ को इसी डायरेक्शन में खींचेंगे तो इसकी स्ट्रेचिंग होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली अपने हाथ को इसके डायरेक्शन पर ले जाना है और मसल को खींचना है, उसकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है। तो जब जब आप इस मसल फाइबर के डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादातर स्ट्रेच आपको हमारे क्लेविकुलर हेड के मसल फाइबर पे ही मिलेगा, ना कि
स्टर्नो कोस्टल हेड के मसल फाइबर पे, ठीक है। और स्टर्नो कोस्टल हेड के मसल फाइबर के स्ट्रेचिंग हम थोड़े से आगे वीडियो में सीखेंगे अभी, ठीक है। चलिए इस चीज को हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं कि किस तरह से आपको हमारे पेक्टोरिस मेजर मसल के जो क्लेविकुलर हेड से मसल फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको स्ट्रेचिंग करना है, किस तरह से उनको इन 70 डिग्री पे लेके आना है स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, आप सही पोजिशन पे आइए। सही पोजिशन कहने से मतलब आपके जो पैर है, जो स्टांस है आपका, वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए, ये आपकी एक सही पोजीशन आई। स्टेप टू आता है, आप स्टार्ट पॉइंट पे आइए। स्टार्ट पॉइंट कहने का मतलब, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि आपको अपने हाथ को 70 डिग्री की पोजीशन पे लेके आना है, तो यहाँ पर सिंपली यह हो गया 90 डिग्री, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यह हो गया 70 डिग्री, यह आपका हो गया स्टार्ट पॉइंट। अब आपको स्टेप नंबर थर्ड क्या करना है, यहाँ पर आपको एंड पॉइंट तक पहुँचना है। एंड पॉइंट क्या है, आपको अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है ताकि आपकी जो बैक की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके और इसके अपोजिट जो आपकी चेस्ट की मसल है वो स्ट्रेच हो सके। चेस्ट में कौन सी, क्लेविकुलर हेड के जो मसल फाइबर है हमारे पेक्टोरिस मेजर मसल के, वह स्ट्रेच हो सके। जैसे कि हमने सीखा था अपनी एक्टिव स्ट्रेचिंग में, यहाँ पर हम एक्टिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एक्टिव स्ट्रेचिंग करने का क्या मतलब होता है कि सिंपली जिस मसल की आप स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं उसके अपोजिट वाली मसल को उसके मेन एक्शन में एंगेज कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आप जिस मसल की स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं वो खिंचेगी, स्ट्रेच होगी। तो सिंपली यहाँ पर हम अपने चेस्ट के पेक्टोरिस मेजर मसल के क्लेविकुलर हेड के मसल फाइबर को स्ट्रेच करना चाहते हैं। इसके अपोजिट कौन से मसल प्रेजेंट है, बैक मसल ग्रुप प्रेजेंट है। बैक मसल ग्रुप में बहुत सारी मसल्स आते हैं, जैसे कि ट्रेपीजियस हो गया, लैटिस मस्टार्सी हो गया, रम्बॉइड हो गया, टेरिस मेजर हो गया, तो ये सारी मसल हमारे बैक मसल ग्रुप की हैं। और बैक मसल ग्रुप की जो मसल्स हैं उनका क्या क्या एक्शन होता है, जैसे स्कैपुले अडक्शन हो गया, जहाँ पर आपके स्कैपुले पास आते हैं एक दूसरे के, आपका शोल्डर एक्सटेंशन हो गया, जहाँ पर आप अपने हाथ को पीछे के लेके जाते हैं, स्कैपुलर रोटेशन हो गया, तो ये सारे एक्शन होते हैं हमारे बैक मसल ग्रुप के। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हुआ 70 डिग्री, अब हम एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो एंड पॉइंट में क्या करना है, अपने बैक मसल को एंगेज करना है। तो हाथ को हम जब पीछे लेके जाएंगे तो यहां पर क्या हुआ, आपका शोल्डर एक्सटेंशन हुआ और साथ ही साथ जो आपके स्कैपुला है वो एक दूसरे के पास है, मतलब स्कैपुला अडक्शन हुआ। तो यहाँ पर आप जितना अपने बैक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही आप स्ट्रेच महसूस करेंगे अपने पेक्टोरिस मेजर मसल के क्लेविकुलर हेड के मसल फाइबर्स पे। और यहाँ पर इस पोजीशन को आपको 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है और मेक श्योर आप यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी की मदद लें, ना ही किसी ऑब्जेक्ट को टच करें या छुए या उसकी हेल्प लें। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो भी हमारा वर्क हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की मदद से हो रहा है, हमारे मसल के जो इंटरनल फोर्स है उसकी मदद से हम अपने हाथ को इस तरह से पीछे खींच पा रहे हैं और उस पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं। तो यही हुई एक्टिव स्ट्रेचिंग। चौथा स्टेप आता है यहाँ पर ब्रीदिंग, यहाँ पर आपको सांस कैसे लेनी है स्ट्रेचिंग के दौरान। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने जाएं तो आप अपने सांसों को अंदर खींच ले और उस सांस को होल्ड करके रखें 10 से 15 सेकंड जब भी आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसको एक्सहेल कर दें, निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ स्टार्ट पॉइंट पर आया, अब मैं जब खींच रहा हूँ तो मैं सांस को पूरा अपना अंदर ले लिया और इसको होल्ड करके रखूँगा जब तक मैं स्ट्रेच इसको परफॉर्म नहीं कर दूँ। जैसे ही मेरा स्ट्रेच खत्म हो तो मैं सांस को पूरी तरह से एक्सहेल करके रिलैक्स करूँगा। तो इस तरह से आपको ब्रीदिंग परफॉर्म करनी है, जब भी आप स्ट्रेचिंग करें तो सांस अंदर लें, उसको होल्ड करें 10 से 15 सेकंड और फिर रिलीज कर दें। मेनली क्या होता है, जब आप सांस को अंदर खींच के उसको होल्ड करते हैं अपने एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच, एक्स्ट्रा सेंसेशन आपको मिलता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी मसल की स्ट्रेचिंग में फोकस होता है, ना कि इधर उधर। फिफ्थ स्टेप आता है यहाँ पर माइंड एंड मसल कनेक्शन। जब भी आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म करें तो मेक श्योर आपका जो पूरा ध्यान हो उस मसल पे हो जिसकी आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं ये स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहा हूं अपने इस मसल फाइबर की, अपर मसल फाइबर की, अपने क्लेविकुलर हेड से जो पेक्टोरिस मेजर मसल के मसल फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं उनकी, तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इसकी स्ट्रेचिंग पर रखना है, बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं लगाना आपको। तो इससे क्या होगा, आपका बेहतर माइंड एंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और आप अच्छा स्ट्रेच महसूस करेंगे अपने इस मसल फाइबर पर। और जो स्टेप नंबर 6 है वह है डेमोंस्ट्रेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको परफॉर्म करनी है। चलिए यहाँ पर आप एक साइड व्यू देख लीजिए ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि कितना हाथ आपको पीछे लेके जाना है। तो यहाँ पर यह हो गया 90 डिग्री, थोड़ा सा नीचे आया 70 डिग्री और हाथ को पीछे लेके जाना है। जितना आप बैक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच आप यहाँ पर महसूस करेंगे।
यहाँ पर आप एक पोस्टीरियर व्यू देख सकते हैं स्ट्रेचिंग के दौरान। यह तो आपने सीख लिया कि किस तरह से आपको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है हमारे इस पेक्टोरिस मेजर मसल के उन मसल फाइबर्स की जो ओरिजिनेट होते हैं क्लेविकुलर हेड से। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन मसल फाइबर को किस तरह से स्ट्रेच करें हमारे इस पेक्टोरिस मेजर मसल के जो ओरिजिनेट होते हैं इस स्टर्नोकोस्टल हेड से। तो जैसे कि आप इस समय इमेज देख सकते हैं कि जो हमारा यह स्टर्नोकोस्टल हेड होता है पेक्टोरिस मेजर मसल का, ये काफी बड़े एरिया को कवर अप करता है। यहाँ से बहुत सारे मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जैक्ट इसके ओरिजिन पॉइंट के बारे में बात करें तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने दर्शाया है हमारे रिब्स के ऊपर, वहां से हमारे यह पेक्टोरिस मेजर मसल के मसल फाइबर इस स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा सुपीरियर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके नंबरिंग की है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और जो तीसरा है वह है अपोनेरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। हमारे इस स्टर्नो कोस्टल के इन इन पॉइंट से हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो मसल फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं वह जाकर इंसर्ट होते हैं लेटर लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यह वही सेम एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर हमारे पेक्टोरिस मेजर मसल के क्लेविकुलर हेड के मसल फाइबर आकर इंसर्ट होते हैं। यहां पर हमारे पेक्टोरिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर है, चाहे वो क्लेविकुलर हेड से आ रहे हैं चाहे वो स्टर्नोकोस्टल हेड से आ रहे हैं, दोनों का इंसर्शन पॉइंट एक ही होता है जो कि है लेटर लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं जो हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की पेक्टोरिस मेजर मसल के मसल फाइबर इस स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट होते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग कैसे परफॉर्म करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्टर्नोकोस्टल हेड से मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं वो सब ओरिजिनेट होकर जाकर इसी बाइसेप्टल ग्रूव पर जाकर इंसर्ट होते हैं, जो कि एक कॉमन इंसर्शन पॉइंट होता है क्लेविकुलर हेड से जो मसल फाइबर निकल रहे हैं और जो स्टर्नोकोस्टल हेड से मसल फाइबर निकल रहे हैं, वो दोनों मिलकर आपस में एक ही जगह एक ही पॉइंट पर इंसर्ट होते हैं जो हमारी ह्यूमरस बोन के बाइसेप्टल ग्रूव पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसल फाइबर होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है, उनका जो डायरेक्शन होता है, वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है और एक कर्व शेप बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से फाइबर निकले और यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो रहे हैं, इस तरह से निकले ऊपर जाकर इंसर्ट हो रहे हैं, इस तरह निकले ऊपर जाकर इंसर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से तक जो मसल फाइबर निकल रहे हैं वो जाकर इसी पॉइंट पर इंसर्ट होते हैं, मतलब ये जो एक पॉइंट है बाइसेप्टल ग्रुप, ये एक कॉमन इंसर्शन पॉइंट होता है हमारे सारे मसल फाइबर जो पेक्टोरिस मेजर मसल के हैं। तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन सबको इकट्ठा करना पड़ता है, उस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे ओरिएंटेशन इस तरफ ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ हो रहे हैं, तो इनको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने के लिए हमको अपने हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है और स्ट्रेच परफॉर्म करना पड़ता है ताकि हम इन मसल फाइबर को एक ही डायरेक्शन पर ओरिएंट कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथ को नियर अबाउट 135 डिग्री पे उठाते हैं और फिर उसकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं ताकि जो इन मसल फाइबर है उनकी डायरेक्शन में हम इनको खींच सके, स्ट्रेच कर सके। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये मसल फाइबर है जो स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट होते हैं, तो यहाँ पर इनका ओरिजिन कैसा होता है, इस तरह से, और यह ऊपर की तरफ जाकर एक ही पॉइंट पर इंसर्ट होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अगर मुझे इनकी स्ट्रेचिंग करनी है तो मुझे इनको इनके डायरेक्शन पे ले जाके स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो इनका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो मुझे हाथ को ऊपर उठाकर इनको इस तरह से स्ट्रेच करना पड़ेगा, तभी हमारे पेक्टोरिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट हो रहे हैं निकल रहे हैं उनकी स्ट्रेचिंग अच्छे से परफॉर्म हो पाएगी। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमको अपने हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है 135 डिग्री पे ताकि इन मसल फाइबर की अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग हो सके, जिस डायरेक्शन में मसल फाइबर मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम इनको खींच सके, इसलिए स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सके। चलिए हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरह से हमको पेक्टोरिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है। तो यहां भी इसको परफॉर्म करने के लिए सिंपली आपको सारे स्टेप वही फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था कि आप सही पोजीशन पर आइए, अपने पैरों को शोल्डर विड्थ रखिए, अपने चेस्ट को अप करिए, बैक को स्ट्रेट करिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, स्टार्ट पॉइंट पर आइए। स्टार्ट पॉइंट मैंने जैसे कि आपको बताया कि अपने हाथों को 135 डिग्री एंगल पर लेके जाना है, कहने का मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 90 और ये 180, इसके बीच में आपको अपना हाथ लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लगभग 135 डिग्री एंगल हो जाता है। अब आता है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, एंड पॉइंट तक पहुँचना है। यहाँ पर एंड पॉइंट क्या है, अपने हाथों को आप जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए, इससे क्या होगा आपकी जो बैक की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी व एंगेज होगी, और जब आप बैक की
मसल को एंगेज करेंगे तो यहाँ पर इसके अपोजिट हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर स्टर्नो कोस्टल हेड से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी, उन पे खिंचाव आएगा। और मेक श्योर आप यहाँ पर इस पोजीशन को जहाँ पर आप अपनी बैक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। और जो स्टेप नंबर 4th है वह यह है कि यहाँ पर जब आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो मेक श्योर आप सांस भर लीजिए और उस सांस को होल्ड करके रखिए 10 से 15 सेकंड, और जैसे ही आप हाथ को रिलीज करेंगे तो एक्सहेल करिए, सांस को छोड़िए। और 5वां स्टेप यहाँ पर आता है कि अच्छा माइंड एंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश करिए। आप इस मसल की स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस मसल की स्ट्रेचिंग पर होगी, जो सेंसेशन जो वाइब्रेशन यहाँ पर हो रहा है उसको फील करिए, महसूस करिए और कोशिश करिए कि आपका पूरा ध्यान पूरा फोकस सिर्फ इस मसल की स्ट्रेचिंग पर हो, ठीक है। स्टेप नंबर 6 डेमोंस्ट्रेशन, आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से आपको यह एक्टिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है अपनी पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर जो स्टर्नो कोस्टल हेड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो या तो आपने जान लिया कि किस तरह से हमारे इस पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी जो चेस्ट मसल ग्रुप की दूसरी मसल है जो कि है पेक्टोरालिस माइनर, जो कि छोटी मसल है, जो कि एक डीप मसल है जो हमारी इस पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, उसको किस तरह से हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म करें। तो यहाँ पर भी सेम हमको इस पेक्टोरालिस माइनर मसल की स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने के लिए इसके भी मसल फाइबर का जो ओरिएंटेशन है और जो इंसर्शन है जो डायरेक्शन है वो समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी यह पेक्टोरालिस माइनर मसल होती है यह ओरिजिनेट होती है 3rd, 4th, and 5th रिब से, जैसे कि आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिनेट होकर यह ऊपर की तरफ चलती है और जाकर इंसर्ट होती है हमारे सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुले, जैसे कि आप इस समय इसकी एग्जैक्ट इंसर्शन पॉइंट को देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहां पर जो हमारी यह पेक्टोरालिस माइनर मसल है जो हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे प्रेजेंट है यह ओरिजिनेट होती है हमारी 3rd, 4th, and 5th रिब से और यह ऊपर की तरफ चलती है और जाकर इंसर्ट होती है हमारे स्कैपुला के कोरकॉइड प्रोसेस में। जैसे कि आप हमारे स्कैपुला को जानते हैं हमारे स्केलेटन के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है स्कैपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इसके सबसे सामने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं कोरकॉइड प्रोसेस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रेड कलर से मार्क किया गया। तो इसी प्रोसेस पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल। यहाँ पर हमारे इस पेक्टोरालिस माइनर मसल के जो मसल फाइबर का जो ओरिएंटेशन है वो ऊपर की तरफ है, यह ऊपर की तरफ चल रही है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ अगर हमको इस मसल को स्ट्रेच करना है, हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल को स्ट्रेच करना है, तो इसको इसी के डायरेक्शन में स्ट्रेच करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल है, ठीक है, यहाँ भी यह इस तरह से अरेंज है। तो अगर हमको इसकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है तो हमको इसको खींचना पड़ेगा इसके डायरेक्शन में इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह मसल हमारे स्कैपुला से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो स्कैपुला को अगर हमको स्ट्रेच करना है तो इसको रोटेट कराना पड़ता है। तो इसको रोटेट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों को ऊपर उठाना पड़ेगा और फिर उसको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम अपने हाथ को इस तरह से 160 डिग्री पे उठाते हैं तो यह बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाती है हमारे पेक्टोरालिस माइनर मसल को, ठीक है। और फिर हम इसी डायरेक्शन में अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं जिससे हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल में स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है। चलिए मैं आपको इस पेक्टोरालिस माइनर मसल की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करके बताता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि किस तरह से हमको यह डिग्री अचीव करनी है। यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, स्टेप 1st सही पोजीशन पे आइए, शोल्डर विड्थ अपार्ट खड़े होइए, चेस्ट अप बैक स्ट्रेट। स्टेप नंबर 2 स्टार्ट पॉइंट पे आइए। स्टार्ट पॉइंट क्या था, यहाँ पर आपको अपने हैंड को 160 डिग्री पे लेके जाना, हाथ इस तरह से ऊपर उठाइए, ये हो गया 180 डिग्री और थोड़ा सा बाहर लाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यह हो गया आपका 160 डिग्री। स्टेप नंबर 3rd में क्या करना है, आपको अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है। जितना आप पीछे लेके जाएंगे उतनी आपकी बैक की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंगेज होगी, और जितनी आपकी बैक की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी एंगेज होगी उतना ही स्ट्रेच आप अपने महसूस करेंगे अपनी इस पेक्टोरालिस माइनर मसल पे। स्टेप नंबर 4th आपको क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है। सिंपली जब आप इस पोजीशन एंड पॉइंट को होल्ड करके रख रहे हैं तो 10 से 15 सेकंड तक अपनी सांसों को होल्ड करके रखिए और स्ट्रेचिंग परफॉर्म करिए। स्टेप नंबर 5th माइंड एंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश करिए। जब आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान आपका जो पूरा माइंड जो पूरा फोकस है वो आपकी पेक्टोरालिस माइनर मसल पर होना चाहिए, उस सेंसेशन उस वाइब्रेशन को फील करिए स्ट्रेचिंग के दौरान। स्टेप नंबर 6th डेमोंस्ट्रेशन, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको यह एक्टिव स्ट्रेचिंग हमारे पेक्टोरालिस माइनर मसल की परफॉर्म करनी है।
सो वीडियो में अभी तक आपने जान लिया कि किस तरह से आप हमारी चेस्ट मसल ग्रुप की एक्टिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने जाना हमारे चेस्ट मसल ग्रुप में दो मसल होती हैं, जो कि है पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो काफ़ी बड़ी मसल होती है, और इसके दो हेड होते हैं, और इसलिए यहाँ पर हमने इसकी दो स्ट्रेचिंग परफॉर्म की। और वहीं जो दूसरी तरफ हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल होती है, इसके लिए हमने एक स्ट्रेचिंग परफॉर्म की। सो यहाँ पर जो मैंने आपको यह तीन एक्टिव स्ट्रेचिंग बताई, ये तीनों बेस्ट एक्टिव स्ट्रेचिंग रहेंगी हमारे चेस्ट मसल ग्रुप को एक्टिवली स्ट्रेच करने के लिए हमारे इंटेंस चेस्ट वर्कआउट के बाद, ठीक है। और कौन कौन सी बेस्ट पैसिव स्ट्रेचिंग रहेंगी हमारे चेस्ट मसल ग्रुप को स्ट्रेच करने के लिए वर्कआउट के बाद, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपकी लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।